If the probability of winning a game is 5 by 11, what is the probability of losing? तो भाई अगर कोई गेम है उसको या तो जीता जा सकता है या हारा जा सकता है. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे. किसी भी गेम का कोई और रिजल्ट नहीं आ सकता कि ना हम भाई गेम जीत भी नहीं पाए हार भी नहीं कर पाए तो भाई क्या कर पाए. तो ऐसा नहीं होता, या तो आप जीतेंगे या हारेंगे. तो अब हम लोग इवेंट डिफाइन करते हैं. लेट्स ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ विनिंग द गेम. गिवन पीई इज इक्वल टू 5 by 11. अब एक और इवेंट डिफाइन करते हैं. लेट ई बार इज इक्वल टू इवेंट ऑफ लूजिंग द गेम. ठीक है भाई, तो एक और इवेंट डिफाइन कर लिया. तो अब हमें पी, एक तरीके से हमें पीई बार कैलकुलेट करना है. सवाल हमारा ये है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग आप बताइए कितना होगा. तो अब यहां पे मैं ये बात लिख रहा हूं, अ गेम कैन हैव ओनली टू आउटकम्स. टू आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? विनिंग और लूजिंग, बस. अब इसी चीज को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी कहते हैं. जब कोई दो इवेंट या चार इवेंट या खूब सारे इवेंट मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है कि मतलब उनके अलावा और कोई आउटकम नहीं आ सकता, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा. जैसे आगे हम लोग डाइस में करेंगे, तो डाइस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इवेंट है. तो ये 6 इवेंट मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है. अगर सिंपल एक कॉइन लेते हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल मिलकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है. तो ये क्योंकि विनिंग और लूजिंग भी हेड और टेल की तरह है, तो हम लोग लिख देंगे पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1. और यहां पे मैं रीजन भी लिख दे रहा हूं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. हेलो भाई, अब बस ज्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है हमारे पास. पीई हमें दिया ही हुआ है, पीई बार पूछा गया है, ये 1 है. 5 by 11 1 से माइनस होगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1 से 5 by 11 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 6 by 11. यही अपना